ये सारी चालाकी मुन्ने की है। खुदा का खौफ करे शजीबा, उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं इस किस्से का। मैंने जिद की थी अब्बा मियां के सामने। चल अपना जुल्ली बिस्तर चौक और फुटा खा मेरे घर से। तेरे जैसे बगैरत भाई की ना कोई लोड़ नहीं मुझे इस घर में। निकल। माँ तुझे अभी शादी जो ना दिल का रिश्ता होता है। 5 साल तक चुप बैठा रहा आपकी जज्बात की खातिर और इसमें बतूर का क्या कसूर? पूरे ना कसूर ने मार के ना तेरी याददाश्त बुला देनी है। चल फुटा खा निकल मेरे घर से बाहर। अरे होश के नाखून लो ना। अरे होश तो आपके ना इस साले ने मेरे सारे के सारे उड़ा दिए। इसकी मनूजबूती नहीं देखनी मैंने। अब इसे बोले इस घर से निकले। मेरा इससे आज के बाद ना कोई लेना देना नहीं है। अरे भी निकाह तो हो गया ना, यहाँ से निकल कर मुन्ने के घर चला जाएगा और वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा होगा। अच्छा ठीक है, फिर आप एक काम करें, आप भी जाके ना उस जश्न में शरीक हो जाएं और वहाँ पर जाके लुडियां डालें। मैं ही अपनी बूथी लेके कहीं दफा हो जाती हूँ। अब्बा वैसे इंतहाई अहमकाना हरकत किया, अब खानदान वालों को क्या जवाब दूंगा? जी भाई तुम तो आपसे रुखसती करें, अपना दिल तो बड़ा करें। पहले जाकर अपनी बहन का दिल बड़ा करो। उसकी मौजूदगी में इस घर से धूमधाम से जनाजा तो उठ सकता है, रुखसती नहीं हो सकती। अल्लाह ना करे, तो फजूल बातें कर रहे हो। मैं भी आती हूँ। कैसी बातें करते हो? बोला था ना तुझे कि इस पंगे में मुझे मत डाल। बहुत गुस्से में थी यार, अब नहीं छोड़ेगी मुझे। अबे कौन सी तीसमार खान की भांजी है, देख लेंगे। तीसमार खान की भांजी के मामू के साथ ये तो अभी फुफी का निकाह, वो भी चोरी छुपे। वो मेरी बात सुन, वो सिर्फ मेरी नहीं उसकी भी फुप्पी हैं। और बात बता, तू क्यों इतना उछल रहा है उस जंगली बिल्ली के चक्कर में? तुझे तो फिर बस लेगी ना जंगली बिल्ली, मेरा कीमा करके ना चील कवों खिलाएगी। कोहर कोहर सुन, मेरी बात सुन हाँ, बेफिक्र रह, चील कवों ने भी मुंह नहीं लगाना तेरे कीमे को। मुझे टेंशन हो रही है और इसे झुकते सोच रही है। क्या हो गया यार, तुझे देख के मुझे भी टेंशन हो रही है। आती है ना बताती है तुझे। साबित कर दिया ना तुमने कि कितने बड़े फ्रॉड और धोखेबाज हो तुम। देखो ज्यादा ना बोलो वरना मैं भी लिहाज नहीं करूंगा। पहले तुमने बहुत ही लिहाज किया, साजिश के तहत मुझसे दोस्ती की और मेरी पीठ पे चूरा घोंप दिया। पता है यार गौहर इस चुड़ली को, कल से पागलों की तरह रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लिफ्ट ही नहीं करा रही। यही बात तो बतानी थी सर। हाँ सब कुछ कर आके आ गए मुंह उठा के। और गौहर तुम किस खुशी में इस गैंग का हिस्सा बने हुए हो? यार अल्लाह की कसम मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम तो वही थाली के बैंगन, तुमसे बाद में निपटूंगी मैं। पता ना यार कैसे जबरदस्ती घुस आए तुम लोग मेरे घर में निकाह करने के लिए। मैंने कितनी बार मना किया था। कब मना किया था तुमने? क्या बात कर रहे? अच्छा तो एक कारनामा आपके घर में सर अंजाम दिया गया, कोई सहूलतकार बने हुए थे तुम। ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा दे दी। देखो यार हम दोनों का मकसद तो एक ही था ना, मसला हल हो गया। मुझे इस फजूल तरीके से मकसद पूरा नहीं करना था और मसला तो अब शुरू होगा। देखो मानूर तुम लोग कुछ ऐसा वैसा नहीं करोगे। क्यों? ऐसा वैसा करने का हक सिर्फ आप लोगों के पास है। दूध में से मक्खी की तरह निकाला तुमने मुझे, सारा दूध जहरीला कर दूंगी अब मैं। अब कुछ लोगों की जिंदगी में जब तक ड्रामा ना हो ना उन्हें सुकून नहीं मिलता। या ना मेरी फूफी ना मेरा मामू, मेरी यहाँ भी बैंड बज गई है। पैदाइश पे नहीं बजी थी ना बैंड, अब बज रही है। कुछ हो जा। अरे टेंशन ना ले, सेट हो जाएगी। और झुका यार निदा, कम से कम तुम तो समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं? हाँ क्या समझूं, बस इतनी सी अहमियत थी मेरी। एक घंटे में आनन फनन हुआ था फैसला। सारी रात गुजर गई और आपने मुंह से भाप तक नहीं निकाली। क्या खाक भाप निकालता, आते ही अब्बा ने मेहमानों का बम बरसा दिया मुझ पर, तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। मैंने कहा नहीं करवाया, कोई बैंक लूट लिया हमने और कोई मुंह फुलाए बैठा हुआ। आके देख लो इनका भी पारा हाई है। सवाल ही पैदा नहीं होता, एक भाभी तो सेंसिबल है हमारी फैमिली में, वो तो समझ जाएंगी ना हमारी मजबूरी। तुम अपनी बटर फैक्ट्री का गेट ना बंद रखो, कोई जरूरत नहीं है मुझे उसकी। अल्लाह की कसम है भाभी, इतनी कोशिश की थी आपको बताने की, लेकिन जब भी ट्राई करता था कोई ना कोई टपक पड़ता था बीच में। तुम लोगों को अंदाजा है अम्मी को जब पता चलेगा तो क्या होगा, वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी इस रिश्ते को। मैं तो जा रही हूँ शजी भाई के घर। पानीपत का मैदान सजा हुआ है, वहाँ आदम खोर बनी रही है मानो और उसकी वालदा माजदा, एक ही वाले में हड़प कर लेंगी आपको। तुम बच गए मानो के हाथ से? हाँ तो जान बचा के ही निकला हूँ ना, बेहतर यही होगा आप भी 2-4 दिन यहाँ सुकून से किसी अलमारी में जाके छुप जाएं। हाँ फराज भाई समझाए ना यार इन्हें। बस एसपी ठीक कह रहा है कि अभी जाना दानिशमंदी नहीं होगी। एक मिनट। हेलो जी कबीर बोले। क्या पारा आया तन्नो भाभी का तो मैं क्या करूँ, पानी की बाल्टी भर के डाले उन पर ठंडा करें। पहले तो बड़े चांद सितारे तोड़ने की बातें कर रहे थे, अब बहन के कमरे का लॉक भी नहीं टूट रहा। क्या
हुआ? मुझे क्यों देख रहे हो? इधर उधर देखो।